हेलो नमस्ते नी हाओ वेलकम टू मैंडरिन चैटर बॉक्स. इन टुडेज़ वीडियो वी विल डू इंट्रोडक्शन टू आर चाइनीज लैंग्वेज. चाइनीज हैज़ सिक्स टाइप्स ऑफ सब लैंग्वेजेस. इन विच टू मेन लैंग्वेजेस आर मैंडरिन and Cantonese. Mandarin is spoken all over the Asia and Cantonese is spoken only in Hong Kong. We have six levels of Chinese: A1, A2, B1, B2, C1 and C2. A1, A2 are the beginners. B1, B2 are the intermediate and C1, C2 is our expert. Name of the Chinese exam is HSK. HSK1, HSK2 and so on. We have 36,000 words in our Chinese, more than 36,000 words in our Chinese, like, but a student have to learn minimum 150 words minimum. Maximum to it can be infinity. It is something different from other languages because जो आप बोलोगे वो आप लिखोगे नहीं. आपको लिखना करेक्टर्स में ही होगा. यस. प्रोनंसिएशन को हम चाइनीज में जो हम वर्ड्स की प्रोनंसिएशन करेंगे हम उसको क्या बोलते हैं? फिनयिन. एंड करेक्टर्स को हम करेक्टर्स ही बोलते हैं. The next is initials and finals. What are initials and finals? जैसे कि हमारे पास English language में दो चीज़ें होती हैं, consonant and vowels. Basically which we have consonant 21 and 5 vowels. Initials are same as English alphabets. Basically इनिशियल्स को हम कॉन्सोनेंट्स भी बोलते हैं और फाइनल्स को हम क्या बोलते हैं? वॉवल्स भी बोल सकते हैं. लेकिन हमारे पास चाइनीज में 36 वॉवल्स होते हैं. मेन हमारे पास सिक्स होते हैं. मेन यानी कि कौन से होते हैं? सबऑर्डिनेट्स. इफ एनीबडी हैज़ डन द मैथ्स सो दे कैन जस्ट अंडरस्टैंड. बट आपको बेसिकली आपको ये 36 या अगर आपको याद कर लोगे तो आपको ये 6 भी उसमें इंक्लूडेड हो जाएंगे. इनिशियल्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास? बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जी. लेकिन हमारे पास फाइनल कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू एंड यू. उसके बाद आता है ए ई ए आई ए ओ ए यू एंड ए यू. नेक्स्ट आता है ई ए देन ई आई ई ओ ई यू एंड ई यू. IA, IE, IO, IU and IEU. Then आता है OA, OE, OI, OU and OU. UA, UE, UI, UO, UU. UA, UE,
U I U O U U. These are the 36 vowels and these are the 36 consonants, which we say initials and finals. The next one is F, tones. हमारे पास चार टाइप की टोन्स होती हैं. द फर्स्ट वन इज़ आर फ्लैट टोन. जैसे आप कुछ भी वर्ड बोलोगे उसकी आपकी साउंड कांस्टेंट रहनी चाहिए. जो आप फर्स्ट टाइम निकालोगे आपको एंड तक, जब तक आप वो वर्ड कंप्लीट नहीं करते, आपको एक ही साउंड रखनी. सेकेंड वन इज़ वी हैव राइजिंग टोन. राइजिंग टोन अप जाना. तो हमारे पास जो वॉइस होगी या जो हमारे पास जो करेक्टर होगा उसकी टोन क्या हो जाएगी, राइज हो जाएगी. थर्ड वन वी हैव इज रोलिंग टोन. रोलिंग टोन में क्या होता है, आपके पास जो आपका वर्ड है वो पहले डाउन जाएगा, सडनली अप चला जाएगा. सपोज पी ए दिस, अगर हम इसकी प्रोनंसिएशन करें तो फ्लैट टोन में कौन सी हो जाएगी, पा. राइजिंग टोन में हो जाएगी पा. रोलिंग टोन में हो जाएगी पा. एंड लास्ट वन वी हैव इज फोर्थ स्लांटिंग टोन, विच मीन्स दैट द वॉइस ऑफ द वर्ड गेट्स डाउनवर्ड्स. द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस विल बी पा. ख़त्म. उसके बाद आपको और कुछ नहीं बोलना. ये टोन्स आपके पास सिर्फ और सिर्फ फाइनल्स केस में लगेंगे, इनिशियल्स के केस में नहीं लगेंगे. फाइनल्स में भी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के साथ लगेंगे. सपोज़ कर अगर कोई भी आपके पास वर्ड है हाउ, अगर इसमें दो आ रहे हैं तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ छोटे वाले, जो आपके पास जो छोटा फाइनल है, जो स्मॉलेस्ट फाइनल है, उसके ऊपर लगेगा ये टोन, बाकी और फाइनल्स में नहीं लगेगा. नाउ स्ट्रोक ऑर्डर. स्ट्रोक ऑर्डर क्या होता है, एनी वन who has just done or remember, they know, but let's clear it out. Stroke order का मतलब होता है steps to make a character. Character को बनाने का steps जो होते हैं उसको हम stroke order कहते हैं. ये इतना important नहीं है, इसमें से आपका सबसे ज़्यादा important है ये टोन्स एंड दिस पार्ट. स्ट्रोक ऑर्डर क्या होता है आपके पास, आप किसी भी करेक्टर को बनाने के जो आपके स्टेप्स होते हैं वो स्टार्टिंग में आपको फॉलो करना पड़ेगा स्ट्रोक ऑर्डर, नो डाउट. लेकिन जब आप धीरे धीरे करेक्टर्स बनाने लग जाओगे, रिकॉग्नाइज करने लग जाओगे करेक्टर्स को कैसे क्या बनाना है, देन यू कैन जस्ट सिंप्लीफाई एंड यू कैन नॉट, यू कैन ईजिली मेक द करेक्टर्स. आज हम करेक्टर सीखेंगे हेलो का, जिसको हम फिनिन में बोलते हैं. फिनिन क्या होता है, प्रोनंसिएशन. इसके हम प्रोनंसिएशन करेंगे चाइनीज़ में नी हाओ. एंड इसका करेक्टर क्या होता है, दिस. ये होता है इसका करेक्टर. ये एक करेक्टर है, ये दूसरा करेक्टर है. मतलब एक करेक्टर हो गया हमारे पास नी का और ये हो गया हमारे पास करेक्टर हाउ का. लेट्स सी हाउ दिस करेक्टर इज मेड. सबसे पहले हम बनाएंगे नी का. फर्स्ट स्लांटिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन स्ट्रेट लाइन. ये तो बन गया आपके पास पहला. सेकंड जिगजैग टर्न, देन दिस टर्न, देन जे बनाना है आपको. एंड आपको इनके दो बाहर की साइड स्ट्रॉक्स निकाल देने. अगला है हमारे पास हाउ का करेक्टर, जो बनेगा पहले ऐसे टर्न टर्न, फिर ऐसे टर्न करके फिर टर्न, देन दिस ये अलग करेक्टर बन गया. नेक्स्ट वन इज सॉरी If you like this video, please subscribe to our channel and just please press the bell icon for the to get the latest updates. Please share among your friends so that they can also get the facility to explore the fascinating world of the Chinese language. So our final character will be
this. This is called Ni Hao. If you just recognize, if you go back to the video at the starting, I also said that hello, namaste, ni hao. Ni hao means hello over there. Thank you for watching this video. Please subscribe to our channel. Please follow us on Instagram, YouTube. Or if you have any kind of doubt regarding the classes, regarding the syllabus, you can just mail me or you can just DM me on the Instagram. Thank you. Have a nice day. Take care.